नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है कभी नहीं। ये कहानी हमने हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ लेखिका कमल कपूर जी की पुस्तक आंगन आंगन हर सिंगार से ली है। तो आइए सुनते हैं कहानी कभी नहीं। सुबह सुबह घंटी बजी और अंजलि ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस वाली सीता मौसी खड़ी थी। उन्हें देखकर वो इतना अधिक चौंकी जैसे वो सीता मौसी नहीं विश्व का आठवां अजूबा हूं। मौसी, आप कब आई अमेरिका से? कल रात आई थी बिटिया, वो मुस्कुराई। पर मौसी, आप तो 6 महीने के लिए गई थी ना, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। फिर बताती हूँ अंजलि बिटिया, बताने ही तो आई हूँ। चल भीतर और पहले बढ़िया सी चाय पिला अपनी मौसी को। घर में दूध खत्म हो गया है, उसे बाहों में बांधते हुए मौसी बोली। चाय पीकर खाली प्याला मेज पर धरा मौसी ने तो अंजलि ने बेसब्री से पूछा, पर मौसी, आप तो इतने चाव से पोते को खिलाने गई थी इतनी तैयारी के साथ, फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आई? मन नहीं लगा क्या वहां? अंजलि बिटिया, तेरी मौसी की हैसियत वहां किसी दादी माँ या सास की नहीं, एक आया की थी। अनपढ़, गवार, ना समझ, पुराने जमाने की हिंदुस्तानी आया सित किया गया मुझे वहां बार बार। कहते हुए आंसू धार फूट पड़ी मौसी की, तो अंजलि ने उनके आंसुओं को अपने आंचल में समेटते हुए नेह से पूछा, पर ऐसा क्या हुआ मौसी, खुलकर बताइए ना। जी जान से सेवा कर रही थी मैं उन तीनों की, दिन रात जली कटी सुनते सहते हुए भी, पर उस दिन तो मेरे सफेद बालों में खाक ही पड़ गई जब बहू को फोन पर ना जाने किससे बात करते हुए सुना, इंडिया से नैनी बुलाई है पर उसे बच्चा पालने की तमीज ही नहीं, उसके हाथ में बच्चा देते हुए हम दोनों को ही डर लगता है। बिटिया बस उसी दिन से अंचल त्याग कर मैंने हट ठान ली कि मुझे वापस भेजो। हार लो, मैं आ गई। अंजलि बिटिया, तेरी मौसी बच्चे की क्या किसी की भी सेवा हार तोड़ कर कर सकती है, सेवा क्या चाकरी तक को तैयार है, पर खुद की बेइज्जती करने की इजाजत कभी किसी को नहीं देगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं।